तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाइप पे, अब सोच रहे होंगे यहाँ पर आप लाइन वायर पे हम लोग इंटरनेट का केबल और डिस्क वायर आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा जो है आउटडोर और इंडोर पे वायर आता है, ये हमारा आउटडोर के लिए है, काफ़ी हेवी वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फाइबर केबल और हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे हम लोग इंटरनेट केबल डाल रहे हैं हाउस वायरिंग पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि हाउस रहता है हमारा तो होम पे हम लोग हाउस वायरिंग तो करते ही हैं, तो उसके थ्रू अपने को जो है इंटरनेट केबल का भी काम रहता है, ठीक है, कैमरे का भी काम रहता है। तो हम लोग इंटरनेट का केबल के बारे में आज टॉपिक में बात करेंगे और किस तरीके से इंटरनेट केबल जो हम लोग डालने वाले हैं और कैसे कनेक्शन करेंगे आज की वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे वायरिंग कैसे करना है। हमारे पास दो रूम है और हॉल है और एक ऑफिस है। तो ऑफिस है हमारे पास, वहाँ से एक पॉइंट आएगा कि और हॉल से एक पॉइंट आएगा, दोनों रूम से एक पॉइंट। तो टीवी यूनिट बनेगा तीन हमारा, और ऑफिस में जैसे कि डेस्कटॉप कुछ मोड रहेगा तो वहाँ से हम लोग इंटरनेट केबल के लिए लाइन केबल यूज करेंगे। तो हम लोग आपको बताते हैं यहाँ पर यूज करने वाले हैं इंटरनेट के लिए लाइन केबल, तो कौन सा लाइन केबल यूज करेंगे। चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हमारे हाउस वायरिंग पे, कैसे वायरिंग करेंगे हम लोग इंटरनेट का केबल का वायरिंग। यहाँ पर हमारा हाउस का वायरिंग का काम चल ही रहा है और उसके थ्रू अपने को सामने वाले रिक्वायरमेंट किए यहाँ पर इंटरनेट का केबल भी चाहिए। तो हम क्या तैयारी किए हैं आपको बताते हैं और कौन सा केबल यूज करके यहाँ पर डालेंगे आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए केबल जो हमारा जा ही रहा है अंदर, तो हमारा वो लाइन केबल है, ठीक है। तो इसका जो पहले आपको बता देते हैं जितना भी एरिया रहेगा अपने को डिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ पर अपने को जैसे कि रेंज, जैसे फ़ोन से भी ऑपरेट करना रहता है अपने को वाईफाई को, ठीक है, वाईफाई का भी सिग्नल चाहिए। तो अपने को जो है किस जगह चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है लाइन केबल जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा है हमारे पास डिस्प्ले पे, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा केबल आता है हमारे को। ये फाइबर केबल नहीं यूज कर रहे हम लोग, लाइन केबल, ठीक है। लाइन केबल पर यहाँ पर वायर रहता है, फोर वायर, सिक्स वायर, सिक्स गेड, ये इसमें नंबर के हिसाब से अपने को जो केबल आता है, ठीक है। तो आपको बताते हैं यहाँ पर कैमरे के लिए बहुत सारा काम के लिए लाइन केबल भी यूज किया जाता है। और उसके बाद आपको बताते हैं ये जो है लाइन केबल इसका हम लोग कितना बताते हैं। यहाँ पर हमारा जो वायर का क्या क्या क्वालिटी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये वन ईयर वारंटी मिलेगा अपने को और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे को कैट सिक्स है, आउटडोर के लिए ये वायर काम आएगा। और यहाँ पर प्राइस आप देखिए, एमआरपी प्राइस हमारा 1800 इतना प्राइस है और इसमें 100 मीटर हमारे को इसका लेंथ मिलेगा, ठीक है। ये कैट सिक्स के नाम से आपको केबल जो है मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा केबल है तो उसका अलग अलग नाम है सबका, तो ठीक है। ये हम लोग डाल रहे हैं कैट सिक्स और हाउस में अपने को जो इंटरनेट के लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स है। और ये इसका जो है फ्रिक्वेंसीज में नहीं कटने वाला क्योंकि हेवी आउटडोर वायर यूज करें लाइन केबल। इसका क्वालिटी क्या है, एक हम लोग केबल को कटिंग कर दिए और इसको हम लोग इसका पीवीसी बाहर करते हैं और इसका क्वालिटी देखते हैं लाइन केबल का। और यहाँ पर मीटर का एक 100 मीटर का हमारा रोल है, ठीक है, 90 नहीं सॉरी, यहाँ पर 100 मीटर का एक रोल है और ये दूसरा वाला भी 100 मीटर का, 200 मीटर हम लोग लेके आए क्योंकि ये बड़ा सा घर है तो यहाँ पर ज़्यादा लाइन केबल यूज हो रहा है हमारा। और इसके लिए यहाँ पर 200 मीटर का वायर लेके आए। तो आपको बताते हैं यहाँ पर हमारा लाइन केबल है तो कितना कोटिंग वाला, ठीक है, इसको पीवीसी बाहर करते हैं, कितने वायर वाला देखते हैं लाइन केबल। गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारे को वायर मिल रहा है 8 वायर, ठीक है। आप देख सकते हो दो दो वायर यहाँ पर लिपटा हुआ है। तो इसमें देखिए एक पीवीसी का कोटिंग है बीच में और उसके बाद यहाँ पर पॉलीथीन छोटा सा है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए वायर शॉर्ट नहीं होगा बल्कि बीच से अपना पीवीसी दिया हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर से चार वायर आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा जो है आउटडोर और इंडोर पे वायर आता है, ये हमारा आउटडोर के लिए है, काफ़ी हेवी वायर है आप देख सकते हो। इसका ब्लैक कलर का भी आता है, हम लोग जो ग्रे कलर के पास था तो ग्रे लेके आए। और ये देखिए इसका जो हमारा वायर चार पॉइंट है हमारे पास, देखिए तो ये चार में दो दो वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। तो इसी से हमारा इंटरनेट चलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर देखिए ये जो हमारा केबल है आप लोग कटिंग करके बताया जा रहा है ताकि आपको रिव्यू पता चले ये केबल क्या काम का आता है। तो फाइनली हम लोग इसका जो है
रिव्यू आपको पता चल गया इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं इसको हाउस वायरिंग पे। यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को चाहिए लाइन केबल, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ से हम लोग लेके आए जहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिवाइस लगाएंगे हमारा राउटर, तो राउटर से हमारा जो है लाइन केबल जो है थ्रू पाइप के अंदर आ रहा है, ठीक है, और इसको पूरा अंडरग्राउंड कर रहे हैं। ताकि आप सोचे होंगे, बहुत सारा देखे भी होंगे आपको इंटरनेट केबल लगता है तो सब काजू क्लिप लगाते हैं, उसको ठोक के बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको जो हम लोग पूरा अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना टीवी यूनिट का पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो टीवी यूनिट के लिए अपने को एक डिक्स वायर लेके आ रहे हैं और एक लाइन केबल, एक ग्रे कलर का हल्का सा दिख रहा है वो हमारा लाइन केबल है, और ये हमारा ब्लैक कलर का जो है ये डिक्स वायर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाइप पे, अब सोच रहे होंगे यहाँ पर आप लाइन वायर पे हम लोग इंटरनेट का केबल और डिक्स वायर क्यों डाल देने यहाँ पर, नहीं तो इफेक्ट फ्लेड होगा तो हमारा सप्लाई करेंट आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे डुप्लीकेट वायर रहता है, नॉन ब्रांड वायर रहेगा तो यहाँ पर पीवीसी से अपना करंट फ्लो होता है, इसमें क्या है हेवी वायर रहेगा तो यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। तो अपने को रखना है 203 मीटर टीवी यूनिट के पास, ठीक है, और तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर इसको मेजर कर लिए, अपने को 2 मीटर करीब रखना है, ठीक है, ये हमारा 2 फीट के ऊपर है। और उसके बाद देखिए डिक्स वायर जो हम लोग डिक्स वायर भी यहाँ पर लिए हैं तो इसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है, खिड़की, तो चलो आपको ले आते हैं हम लोग जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं लाइन केबल के बारे में जो इंटरनेट के लिए यूज किया जा रहा है। ये हमारा रूम है, तो बेड लग रहा है राइट और लेफ्ट, इधर हमारा बेड के सेंटर है हमारा टीवी यूनिट, ठीक है, तो आपको बताते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन केबल पहले से डाल के रखें, ये हमारा लाइन केबल पहले वाले रूम का, ठीक है, ये हमारा पहले वाले रूम का लाइन केबल है, ठीक है, तो हम लोग जो है राउटर यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है, तो इतना हमारा रेंज जो है हॉल का यहाँ पर से और रूम से हमारा काफ़ी तक फ़ोन भी हमारा रेंज रहेगा, तो उसके हिसाब से अपने को वाईफाई का सेटअप करना है, ठीक है, तो ये देखे उसको जो हम लोग मेजर कर लेंगे और इसको कटिंग करके, ठीक है, इसको कटिंग करके यहाँ पर रूम 2 लिख देंगे, ठीक है, तो 2 वायर हो गया हमारा, 2 रूम का प्लान हो गया हमारा लाइन केबल, ठीक है, लाइन केबल दोनों फर्स्ट रूम और ये हमारा दूसरा रूम। और उसके बाद हम हॉल का प्लान करते हैं, हॉल का प्लान का हमारा टीवी यूनिट लगने वाला है इस जगह, ठीक है, ये हमारा ओपन रहेगा टीवी यूनिट, यहाँ पर घूमने वाला मूवेबल वाला रहेगा टीवी यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लोग पाइपलाइन कर रहे हैं और इसको भी आपको बता देते हैं, इसको आउटडोर वाला वायर है इसको भी खुला नहीं रख लें, इसको पाइपलाइन से फिट डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर चूहा लोग यहाँ पर काटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है ये लाइन केबल से यहाँ से हम लोग ना इसको मेजर कर लेंगे डायरेक्ट और हॉल पे डालेंगे, नहीं तो सिंगल पहले डाल लेंगे उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। तो अभी वायर को मेजर कर लेंगे फाइनली, उसके बाद अपने को 2 वायर लेके जाना है, एक ऑफिस पे भी लेके जाना है, तो साथों साथ दोनों काम करना है एक साथ, ठीक है, तो देखिए मेजर कर लेते हैं पहले वायर लोग को। तो देखिए लालटू का तरीका, यहाँ पर 1-1 मीटर इसको नाप ले रहा है और ऊपर से सीलिंग से अपने को जो है टीवी यूनिट यहाँ चाहिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लाइन केबल को यूज कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग वायर को काफ़ी लंबा रख रहे हैं ताकि कहीं भी टीवी यूनिट जो है हमारा आएगा तो वहाँ पर हम लोग लाइन केबल को पहुँचा सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास देखिए 100 मीटर और बचे ही हमारे पास, अपने को मार्किंग कर लेना है, ठीक है, ताकि अपने को बाद में इसको आसानी हो जाए अपने को चेक करने के लिए। देखिए ऑफिस लिख दिए, टीवी यूनिट लिख दिए, ठीक है, तो ये दोनों का वायर का हो गया हमारा काम। उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ से हम लोग पूरा पाइप लाइन से अंदर डालेंगे हमारा लाइन केबल, ठीक है, ठीक है, दोनों लाइन केबल लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो है लाइन केबल बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आने के बाद क्या करेंगे अपन आपको बता देते हैं। इसको जो हम लोग ले लेते हैं, वायर को खींचना है अभी, और जितना भी हम लोग यहाँ पर इसको मेजर किए थे उस हिसाब से अपने को जो है ले लेना है। और वहाँ पर अपने को छोटा सा आ गया, उसको बस स्टॉप हो गए, और हमारे पास ऑफिस का वायर है, ऑफिस का वायर को ले लेंगे हल्का सा और बाहर करेंगे ताकि अपने को उस तरफ ऑफिस का वायर का लाइन केबल पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा लालटू जो है जो वायर को प्रूस कर रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा लाइन केबल आ गया और ये ऑफिस और टीवी का हमारा, ठीक है, हॉल का और टीवी, और देखते हैं इसको लाइन केबल को ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास आज घोड़ी 1 है,
तो काम करना है तो एक बंदा ऊपर जा रहा है, मैं नीचे पे हूँ, तो इसको लाइन केबल को लाइन अप कर लेते हैं सीधा, ठीक है। देख सकते हो वहाँ से हमारा जितना भी किए थे उस हिसाब से अपने को वायर को पूरा केबल को ले लेना है। कर दिया क्या रे? बताते हैं यहाँ पर अपने को इनपुट चाहिए तो होल कर रहा है, तो यहाँ से हमारा आउटडोर से हम लोग बनाने वाले इनपुट ला रहे हैं हम लोग वाईफाई का। तो ठीक है, वाईफाई के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर जो है तो वायर, ये केट सिक्स है, केट सिक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बताते हैं हमारे पास जो है और एक केबल है, तो हम लोग वाईफाई वाले से मांग के रखे हैं, तो हम लोग आउटडोर से हम लोग जो है इनडोर पर लेके आएंगे और यहाँ पर हम लोग पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो आपको बताते हैं कौन सा वायर के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, ये जो है वायर हमारा इंटरनेट जो चलता है हमारा ऑक्टिवल्स केबल्स, ठीक है। ऑक्टिवल केबल आपको पता है ज़मीन के अंदर चलता है, वो हम लोग जो वायर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर पंचिंग करके यहाँ से हमारा कनेक्शन होगा। तो आपको बताते हैं ये जो है हमारा लाइन केबल है और वो अलग केबल है, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए भी एक लाइन केबल जो है यूज कर लेंगे यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, ताकि अपने को दोबारा काम करना मत पड़े, सीलिंग होगा तो काम आसानी से। पर वायर बिल्कुल दिखने वाला नहीं है क्योंकि मशीन के थ्रू ये वायर जॉइंट होता है, हम लोग इसको प्लास से कटर से जॉइंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल मशीन आता है इसको जम्फर करने के लिए, और यहाँ पर अब वायर मिलेगा अपने को, दो वायर रहता है, ठीक है, दो लीड रहेगा अंदर पे, और नहीं तो हमारे को चार वायर मिलेगा। तो ये हम लोग लेके आए यहाँ पर दो वायर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा छोटा पतला सा बाल टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का पतला सा है हमारा, जैसे बाल का रेशा रहता है ना हमारा सिर का, यहाँ पर सिर का जैसे बाल रहता है उस तरीके से यहाँ पर ऑक्टिवल्स केबल पतला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो वायर है हमारे पास, तो इसमें इनपुट करेंगे यहाँ पर इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले वायर को आउटडोर की लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी हेवी वायर ज़्यादा ही तरीके से। उसके बाद आपको पहले जहाँ पर हम लोग सेटअप लग रहे हैं वहाँ पर अपने को 10 मीटर छोड़ना है ताकि नीचे तक अपने को लूपिंग और जॉइंट होते बने और बाहर तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फाइबर केबल और केट सिक्स, ठीक है, बाहर कर रहे हैं इसको इसको कनेक्शन के लिए। गाइस हमारा फाइबर और ये केट सिक्स के लाइन केबल बाहर आ गया, और ये बाथरूम के थ्रू हम लोग जो पाइपलाइन किए हैं और यहाँ पर बाहर करके इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वाईफाई बाहर से हमारा कनेक्शन मिल जाएगा जो हमारा वायर के थ्रू आएगा और यहाँ पर जो है पंचिंग होके हमारा जो है अंदर पॉइंट में चले जाएगा। और एक हम लोग केट सिक्स जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक रूम है तो रूम के लिए हम लोग केट सिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग वहाँ का रूम के लिए हम लोग जो है एक केट सिक्स निकाल दिए, और उसके बाद हमारा वाईफाई का भी हमारा इनपुट कर दिए, ठीक है। फाइबर केबल को भी वहाँ पर रख देंगे, और आपको बताते हैं अंदर लेके कहाँ पर अपने को कटिंग करना है, कितना लंबा रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो है मेजर करेंगे, यहीं पर अपने को सेटअप बैठाना है, और आप देख सकते हो यहाँ पर केट सिक्स जो है हमारे पास, ठीक है, ये तीन और ये दो पाँच केट सिक्स है यहाँ पर, और ये फाइबर केबल हमारा ऑक्टिवल केबल यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपने को लंबे रखना है कम से कम नीचे तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे को प्लास कटर से जम्फर नहीं होने वाला, इसके लिए मशीन आएगा, तो मशीन हमारा ऊपर पे नहीं आएगा, तो हम लोग ज़मीन में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जॉइंट करेंगे, तो उसका लंबा ही रखना है, अपने को ये प्लान करना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कमलेश इलेक्ट्रिशियन मिन्यू आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।